तो अगर आप जिंदगी से सीखना चाहते हैं तो मुझे लगता है बहुत सारी ऐसी प्रेरक कथाएं, प्रेरक लोग आपको अपने आसपास जिंदगी में मिल जाएंगे जो आपको एक अलग लेवल का जज्बा दे देंगे। पिछले वीडियो में आपने देखा था जब निशा मैम का मैं एक बोलेरो नियो का कस्टमर रिव्यू कर रहा था तो पीछे आपको एक व्यक्ति नजर आया था, शैलेंद्र कौशिक। और इनसे मैंने आप सबसे पूछा था क्या आप इनका वीडियो देखना चाहते हैं, क्योंकि अमेरिका रिटर्न है और ओला उबर आके इंडिया में चला रहे हैं। तो सीधे मुद्दे पे पहुंचेंगे, सबसे पहले स्वागत करते हैं शैलेंद्र कौशिक का। शैलेंद्र भाई, आपका हमारे इस वीडियो में स्वागत है। थैंक यू सो मच। तो पिछली बार आप दबाव में थोड़ा दिख रहे थे कि भैया बीबी बोल रही है, जो बीबी पूछ रही थी वही आप रिप्लाई कर रहे थे। आज तो मैं सीधे आपसे रूबरू हो रहा हूँ। बिल्कुल। कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया। तो पिछली बार भी मजे आए थे। मजा आया था पिछली बार ना? बहुत। तो सबसे पहले अपने बारे में थोड़ा सा बताइए कि आप कैसे, मतलब ओला उबर, पूरी कहानी तो गाड़ी में बैठ के कहेंगे, मतलब थोड़ा सा अपने बारे में परिचय दीजिए। मैं फिलहाल ओला उबर चला रहा हूँ जिसके लिए आप वीडियो कर रहे हैं। तो पिछले 4 साल से मैंने काम शुरू किया था और एक गाड़ी से शुरू किया था, आज ऊपर वाले की कृपा से 4 गाड़ियाँ हैं, लेकिन मैं ये गाड़ी अपने पास रखता हूँ और मैं चलाता हूँ उसे। अच्छा, कब चलाते हैं, मौका मिल जाता है? रात को चलाता हूँ मैं, अभी भी रात को चला के आया हूँ। 10 बजे निकला था, 7 बजे आया सुबह। तो क्या है कि शैलेंद्र भाई कितना कमाते हैं, क्यों चलाते हैं ओला उबर, क्या अमेरिका से ज़्यादा अच्छा था ये इंडिया जहाँ पर आके ओला उबर चलाना चाहिए या नहीं, और क्या 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 इनकी कोई मजबूरियाँ रहीं, कोई परेशानियाँ रहीं, सब कुछ आपको बताने वाला है इस वीडियो में। जैसा कि आपसे वादा किया था, ये वीडियो आपके लिए अब हाजिर है। पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, और अगर पसंद आ रहा है ना, क्योंकि आप सबने सवाल किया था इसलिए वीडियो आ रहा है, तो लाइक करके जरूर जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं इस खूबसूरत से वीडियो को। चलिए सर आइए। There are stains on your photo, little cracks on your rusty frame, stuck in the mud, but it's okay. आप अमेरिका से इंडिया चले हैं, वो भी ओला उबर चलाने? हाँ। बताइए थोड़ा सा। तो मैं गया था US और वहाँ पे मेरा स्टे अच्छा रहा, मेरे भैया वहाँ पे रहते हैं, दीदी वहाँ पे रहती हैं, और मैंने एक छोटा सा काम किया था अपने दोस्तों के साथ मिलके, एक छोटा सा रेस्टोरेंट खोला था। Okay. और अच्छा चल रहा था। लेकिन मेरे भैया वहाँ पे डॉक्टर हैं और दीदी भी काफ़ी टाइम से सेटल्ड थी, और मेरे माता जी पिताजी यहाँ थे गुड़गांव में, तो और मेरे फादर को अल्जाइमर्स है, डिमेंशिया है, तो उनको देखते हुए एक बच्चा भारत में होना चाहिए था उनकी देखभाल के लिए। तो आई डिसाइडेड कि मैं वापस इंडिया आता हूँ, और अल्टीमेटली हमने उनका गुड़गांव का घर भी बिकवा दिया, क्योंकि हालांकि हम वैशाली रहते हैं, उनके पास हैं, लेकिन आपको पता है दिल्ली का ट्रैफिक, NCR का ट्रैफिक कितना बुरा है कि यदि उनको खुदा ना खास्ता कुछ हो भी जाए तो पहुँचते पहुँचते 2-2.5 घंटे से पहले हम नहीं पहुँच सकते। तो अब वो बैक एंड फोर्थ रहते हैं, US भी रहते हैं और भारत रहते हैं, तो जब भारत रहते हैं वो हमारे साथ रहते हैं या हम उनके साथ रहते हैं, और US में रहते हैं तो भैया दीदी के पास रहते हैं ऑफ कोर्स। तो ओला उबर ही क्यों चुना? ओला उबर इसलिए चुना कि जब मैं वापस आया तो मेरी ब्रिटिश एयरवेज में जॉब लगी थी, और एज अ वॉइस एंड एक्सेंट ट्रेनर, पैसे ठीक ठाक थे, लेकिन मुझे एक बंदिश लगी, काम में बंदिश लगी, कि वो एक टैग पहन के, फीता पहन के, और पंच इन पंच आउट, आप कहाँ गए, फिर व्हाट्सएप ग्रुप बने, उन पर ताली मारो, बॉस कोई भी जोक कर रहा है उस पर थम्स अप करो, तो वो सब मेरी पर्सनैलिटी, मेरी सोच उसके हिसाब से मैच नहीं की। और काफ़ी सोचा, मैंने कहा यार छोटी सी ज़िंदगी है, बहुत आधी ज़िंदगी से शायद ज़्यादा निकल गई है, थोड़ी सी बची है, और बचपन से मुझे गाड़ी का बेहद शौक है और गाड़ी चलाने का बेहद शौक है, क्योंकि जब मेरे पापा थे उनके पास गाड़ी थी, उनके पास एम्बेसडर गाड़ी थी, तो अब तो शायद लोगों को पता भी नहीं हो कि एम्बेसडर गाड़ी कौन सी है और दिखती कैसी है, तो उसमें पीछे की ये जो बीच की सीट थी वो कंबाइंड होती थी, वो क्या कहते हैं इसे, कैप्टन सीट्स नहीं होती थी, तो उस पर मैं यूं बैठ के और बस देखते रहता था कि अच्छा पापा ने अब क्लच दबाया, ओ 60 पे चली गई गाड़ी, ओ 50 पे चली गई गाड़ी, अच्छा ऐसे ब्रेक लगाया, ऐसे मोड़ी, तो मुझे शुरू से पता नहीं किस लिए एक शौक था गाड़ी चलाने का और गाड़ी देखने का, तो मैंने जल्दी से जल्दी गाड़ी सीखी भी और चलाने लगा। तो जब मैं इंडिया आया तो जब जॉब मेरा मटेरियलाइज नहीं हुआ, मुझे पसंद नहीं आया, मैंने छोड़ दिया, तो मैंने अपनी वाइफ निशा सिंह, जिनका वीडियो ऑलरेडी बन चुका है, तो उनसे बोला कि भाई मैं गाड़ी ही चलाना चाहता हूँ, वही मेरा पैशन है, और उससे यदि मुझे इनकम हो जाए तो इससे बढ़िया कोई बात नहीं है।
तो ऐसे शुरू हुई थी ओला उबर की कहानी, और उन्होंने मुझे पूरा सपोर्ट किया, क्योंकि आपको पता है भारत में डिग्निटी ऑफ लेबर नहीं है। तो एक टैक्सी चलाने वाला वो टैक्सी ड्राइवर ही कहलाएगा, चाहे उस पर फ्लीट हो 10 गाड़ियों का। लेकिन जब आप इस पीली प्लेट में बैठ गए, आपने वो ब्लू शर्ट पहन ली, वर्दी पहन ली, तो आपका भारत में एक स्टेटस 4 लेवल कम हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो उन्होंने मुझे इस मामले में पूरा सपोर्ट किया। उन्होंने कहा तुम्हारा पैशन है, मैंने कहा मेरा छोटी सी जिंदगी बची है, मुझे गाड़ी चलाने का शौक है, म्यूजिक सुनने का शौक है, मेरे दोनों शौक पूरे होंगे और मैं इस काम को आगे बढ़ाऊंगा। तो उन्होंने कहा भाई आप ड्राइवर कहलाओगे, डिग्निटी ऑफ लेबर नहीं है, लोग अबे तबे से भी बात करेंगे। तो मैंने कहा वो मेरा काम है। तो बिकॉज आई बिलीव अमित जी कि लाइफ इज लाइक अ वॉल एंड अ बॉल, एक दीवार है और एक गेंद आपके हाथ में है। आप गेंद जैसे फेंकोगे दीवार पे, वो वैसे ही पलट के वापस आएगी। आप उसे तेज फेंकोगे, आप शायद उसे कैच भी नहीं कर पाओ। आप उसे प्यार से फेंकोगे, बहुत प्यार से आप कैच कर सकोगे। तो वैसे ही लाइफ है, यदि आप लोगों से तमीज से बात करोगे, आपकी गाड़ी में कोई बैठता है, कस्टमर बैठता है, आधे पौने 1 घंटे के लिए बैठा है, आप उससे तमीज से बात करो, सर बक करके बात करो, और उनसे दो चार बात करनी है तो बात करो अच्छे से, तो मुझे नहीं लगता कि आपसे कोई वापस बदतमीजी करेगा। तो मेरे साथ तो ये फंडा बहुत क्लियर रहा है, और 4 साढ़े 4 साल में मेरी इतनी घनिष्ठ मित्रता हो गई है लोगों से जो मेरी गाड़ी में बैठे हैं, और उनसे मेरी खूब लंबी बातें हुई हैं, लोगों ने अपने घर पे बुला के चाय पिलाई है, रास्ते में रोक के कोल्ड ड्रिंक पिलाई है, फेसबुक पे फ्रेंडशिप की है, नंबर लिए हैं, व्हाट्सएप पे हमारे कॉन्टैक्ट्स हैं। तो मतलब ये एक्सपीरियंस तो मेरे लिए इतना यूनिक रहा है, और मोर ओवर ये मेरे लिए एक कन्फेशन बॉक्स बन गया। यहाँ आके लोग अपना सारा बर्डन उतार देते हैं जब वो मेरे से बात, और मेरे बहुत लोगों ने ये बोला है कि भाई आप तो मोटिवेशनल स्पीकर बनो, आप काउंसलर बनो, आपसे बात करके इतना अच्छा लगा, दिल हल्का हो गया। तो मेरे पास इतनी कहानियां हैं जो शायद लोगों ने अपने पार्टनर्स को या अपने लव्ड वंस को भी नहीं बताई होंगी, जो यहाँ आके वो अपनी दिल का दिल हल्का करके चले जाते हैं। पैसा भी देते हैं, दिल भी हल्का करते हैं। बिल्कुल एक चीज बताइए, निशा मैम इतने प्रतिष्ठित पोजीशन पे बैठी हुई है, बिल्कुल, तो क्या बुलंदी से कहती है कि मेरा जो हस्बैंड है ड्राइवर है, टैक्सी ड्राइवर? अब आप देखो आपके वीडियो में उन्होंने साफ बोला है कि नहीं? क्योंकि ये मुझे जानना था कि वो मतलब उसी, क्योंकि वो पूरे दुनिया घूमती है, हाँ। कहाँ 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 नहीं, अभी कतर में है वो, बिल्कुल कतर में है, तो वो ऐसी मतलब बुलंदी के साथ बोलती है और स्वीकार कर लिया उन्होंने, बिल्कुल या कर कहीं लिया। पे स्टेटस में लगता है कि कुछ डाउन हो गया? नहीं, देखिए हमारे दिमाग में तो बहुत क्लियर है कि हर काम इम्पॉर्टेंट है अपनी जगह पे, और मुझे तो इसलिए बहुत अच्छा लगता है कि एक कंपनी का सीईओ, शायद उसे भी नहीं पता उसे करोड़ों का पैकेज किस लिए मिल रहा है, ही रियली डजंट नो। ठीक है, आप किसी कंपनी के सीईओ से पूछिए कि आपको इतने करोड़ों रुपए किस लिए मिल रहे हैं, आप क्या काम करते हो? शैलेंद्र भाई, हाँ आप पहले बात पूरी करो। हाँ, तो मुझे तो बहुत क्लियर कट अपना काम पता है कि मेरे इतने किलोमीटर बनते हैं, हाँ? इतने प्रति किलोमीटर के हिसाब से मैं चार्ज करता हूँ, और मेरा ये आमदनी हो गई। तो सर मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कितना कमा लेते हैं आप, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है, मुझे बहुत सारे लोगों को सवालों का जवाब देना है, हाँ। कि ओला उबर चला के भी लोग कमा सकते हैं, और मुझे इतना जरूर पता है कि जितना आप नौकरी में रह के पा सकते थे, हाँ। इसमें नहीं मिलता होगा, ये तो मैं शोरूम में कितना गलत हूँ या सही आप बताइएगा, और आप जवाब दीजिए। तो ऐसा है, जब मैंने काम शुरू किया था उस टाइम ओला उबर की कमाई ज्यादा थी, इंसेंटिव ज्यादा थे, तो कमाई अच्छी होती थी। अब खेल हो गया है वॉल्यूम का, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अब मेरी 4 गाड़ियाँ हो गई हैं, तो 3 ड्राइवर चलाते हैं, उन्हें मैंने ठेके पे दे रखी है गाड़ी, ऑलमोस्ट लाइक रेंट, कि आप गाड़ी लीजिए और मुझे दिन का इतना और महीने का इतना चाहिए, इसके ऊपर आपकी जो कमाई है वो आपकी कमाई है। ओके, तो उनको भी इंसेंटिव है कि मैं गाड़ी ज़्यादा चलाऊँगा तो मेरे ज़्यादा पैसे बनेंगे, और भैया को मैंने इतना देना है। और दूसरी चीज़ ये है कि जो मैं काम करता हूँ, देखिए हर काम में एक हार्ड वर्क है, एक स्मार्ट वर्क है, सिमिलरली इस काम में भी एक स्मार्ट वर्क है, और यदि आप थोड़े से स्मार्ट हैं तो आज की डेट में भी ओला उबर और प्राइवेट बुकिंग्स मिला के, मैं सब बता रहा हूँ क्योंकि मेरे प्राइवेट कस्टमर्स भी हैं जो मेरे साथ ओला उबर में बैठे हैं, और उसके बाद उन्होंने ओला उबर की ऐप उड़ा दी है कि मैं अब आपके साथ ही जुड़ गया हूँ, जब मुझे
कैब चाहिएगी, मैं आपको कॉल करूँगा। तो बिटवीन ऑल थ्री मीडियम्स, ओला उबर एंड प्राइवेट बुकिंग्स, अच्छी कमाई है। नंबर नहीं बताओ क्या? नंबर नहीं बताऊंगा, लेकिन हाँ लगभग कुछ एवरेज बता दो, मतलब आपको देख के हो सकता है कि बहुत सारे, यदि यदि आप देखिए सड़क टाइम मांगती है, हाँ? यदि आप सोचो कि मैं 9 बजे निकल के और 5 बजे घर आ जाऊं और मेरे 2,500 रुपये बन जाए दिन के सूखी कमाई सीएनजी और सब खर्चा निकाल के, तो आप यू आर फूलिंग योरसेल्फ, वो नहीं होगा। अच्छा, आपको एक पर्टिकुलर टाइम पे निकलना पड़ेगा। आपको पता होना चाहिए कि एयरपोर्ट की सवारियां सुबह निकलती हैं, या पीक आवर में सर्ज होती है तब मैं निकलूं, या रात के टाइम में लंबी सवारियां मिलती हैं, एयरपोर्ट की मिलती हैं, रेलवे स्टेशन की मिलती हैं, गुड़गांव से आप सवारी उठा के आनंद विहार आ सकते हैं। तो ये थोड़ी स्मार्ट वर्किंग है जो आपको करनी पड़ेगी। तो यदि आप ये काम करते हैं तो 2,500-2,500 रुपये दिन के सूखे आप बचा के घर आ सकते हो प्यार से। अच्छा, आप यही काम बाहर जाके कर सकते हो, ऑस्ट्रेलिया हो गया और जगहों पे बहुत अच्छे से चलती हैं कैब, तो यहीं पे क्यों? यहीं पे क्यों? क्योंकि अब हमारी लाइफ सेटल्ड है, और जैसे मैंने आपको बताया, हम मेरे माताजी पिताजी भारत भी आते हैं, उनके सारे रिलेटिव्स यहाँ पे हैं, उनकी लाइफ यहाँ पे है, और शायद जब उनका एंड डेज आएंगे तो वो बिल्कुल शायद भारत में ही रहना चाहेंगे। तो मेरी वाइफ का अच्छा जॉब है इंडिया में, वो तो मैंने देख लिया है बिल्कुल, और बच्चे मेरे तीनों सेटल्ड हैं यहाँ पे, स्कूल जा रहे हैं, तो उनकी भी लाइफ है। ओके, और भारत जैसा कंट्री, हमें भारत पसंद है। अच्छा, आपको भारत पसंद है? भारत पसंद है। तो भारत में रह के कभी मन नहीं किया, कभी मतलब ऊब गए हो कि भैया रात के अंधेरे से अब उजाले की तरफ बढ़े, चलो कुछ नौकरी करें, कुछ मन नहीं हुआ? नहीं नहीं, नौकरी से तो मैं बिल्कुल फेड अप हूँ, नौकरी तो मेरे खून में ही नहीं है शायद नौकरी करनी। नहीं, ओला उबर आ गया तो कहाँ से आएगा? हाँ, तो मेरे खून में नहीं है, यदि ओला उबर नहीं होता तो भी मैं कुछ अपना छोटा मोटा काम कर रहा होता। महीने में कितने किलोमीटर चला लेते हो आप गाड़ी? देखिए दिन में चलती है 250 से 300 किलोमीटर। अच्छा, और रात से कम? मतलब दिन में। अच्छा, मतलब आप ही की बात। हाँ, रात, क्योंकि आप अंधेरे के सिपाही हो। हाँ, बिना डरे निकल जाते हो। कभी ऐसा वाकया हो जिसने आपको डरा दिया हो, मन करा हो कि नहीं अब दिन में चलाएंगे? कभी नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। और इसमें शायद 50,000-60,000 लोग मेरी गाड़ी में बैठ चुके होंगे अब तक। कस्टमर तो कम होंगे जो एक बुकिंग कराते हैं, लेकिन हो सकता है आपको देख भी रहे हों। बिल्कुल देख भी रहे हों। तो मेरे साथ कभी कोई वाकया नहीं हुआ। और जो शायद कोई एटीट्यूड से बैठा भी है, वो भी जब उतरा है तो वो सर करके ही उतरा है कि सर आपके साथ बैठ के बहुत आनंद आया, सर आप तो लगता पीछे से कितने। अच्छा, एक सवाल जरूर आता होगा सबका, हाँ कि सर आप तो इतने स्मार्ट हैं, आपकी अंग्रेजी माशाल्लाह। बिल्कुल आता है। आप ये क्यों करते हैं? तो उनको क्या जवाब देते हो? तो उनको यही जवाब देता हूँ कि भाई ड्राइविंग इज माई पैशन, आई लव ड्राइविंग। Okay. मैंने जब से काम शुरू किया है, मेरी वाइफ ने आज तक ये नहीं बोला, वो हमेशा यही कहती है कि भाई जब भी तुम घर आते हो तो कम कभी खींचे हुए नहीं आते, कभी परेशान नहीं आते, कभी कोई प्रॉब्लम लेके नहीं आते कि यार आज ट्रैफिक इतना था या ये हो गया और वो हो गया, क्योंकि मुझे लगता ही नहीं है, मुझे बिल्कुल फील नहीं होता ड्राइव करते हुए कि मैं कोई काम कर मतलब रहा हूं। मतलब सारे आपके दोस्त बन चुके हैं, ये ट्रैफिक आपका पूरा कुटुंब हो गया है। बिल्कुल। और आप एंजॉय कर रहे हैं, पैसे भी कमा रहे हैं? पैसे भी कमा रहा हूँ, 3 लोगों को मैंने एम्प्लॉयमेंट दे रखी है, उनका घर भी मेरी वजह से चल रहा है। ओके। और मेरा ये मानना है कि हर हलवाई को अपने समोसे बनाने आने चाहिए। ओके। तो यदि मैं ये गाड़ी केवल लेके डाल देता, पैसे लेके 4 गाड़ी मैंने डाल दी, तो शायद मुझे उसमें नुकसान ही रहता। चलो, जो युवा हैं जो देख रहे हैं इस वीडियो को, हाँ, और अपना करियर शुरू करना चाहते हैं, हाँ जी, ओला उबर में, हाँ जी, तो कोई आपकी तरफ से मास्टर ट्रिक या कुछ ऐसे एक्सपर्ट एडवाइस? मास्टर ट्रिक एक्सपर्ट एडवाइस कुछ नहीं है, आप ईमानदारी से काम करो और मेहनत से काम करो, अपनी इंटेंशन अच्छी रखो और मेहनत अच्छी रखो, तो पैसे तो बाई प्रोडक्ट है, पैसे आने ही है। ओके, किसी भी काम में। तो भैया खत्म कर दें वीडियो? खत्म कीजिए। तो ये थे शैलेंद्र भैया जो कि रात में निकलते हैं, हो सकता है आपसे इनसे मुलाकात हो जाए। ये ओला में मिल जाएंगे या उबर में, दोनों ऐप इनके पास है इंस्टॉल। बिल्कुल, ये स्मार्ट वर्क करते हैं और इनका मानना है कि बाहर जाने से अच्छा अपने देश में आप बहुत अच्छा कमा सकते हो। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा और शैलेंद्र भाई की ये कहानी आपके दिल को छू गई होगी। और यहां बोलना चाहता हूं कि अगर जज्बा हो ना आपके जहन में और आपके दिल में, तो आप कोई भी काम जब करोगे ना तो वो काम तरक्की कर जाएगा और लोग आपको फॉलो करना शुरू कर देंगे। तो अपने जज्बे से खिलवाड़ मत करना, निराश मत होना, निराशा के बादल से जैसे आप ऊपर उठोगे ना तो वहां पर आपको एक सुनहरी रोशनी मिलेगी जो आपको उस प्रगति पथ पर लेके जाएगी जो शायद
आप सपने में देखते थे दोस्तों। उम्मीद करता हूँ हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो सर, मानता हूँ। ठीक है, अगर कुछ और पूछना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं मुझसे या शैलेंद्र भाई से, तो मेरे इंस्टाग्राम पर चले आइएगा। मेरा इंस्टा हैंडल है @amit.dwivedi। सवाल के लिए सारे जवाब ले जाइए। थैंक यू। थैंक यू जी।